जन्म का नाता है, गाय हमारी माता का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गो माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गो माता को न्याय दो। जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। न्याय दो रे न्याय दो, गो माता को न्याय दो। अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी गोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। न्याय दो रे न्याय दो, गो माता को न्याय दो, न्याय दो रे न्याय दो, गो माता को न्याय दो। तो मैं इस मंच से सभापति जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि 35 दिन से जो गोवंश के लिए गोपाल सेवा संस्थान द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जो इनको तपा के उन्होंने कुंदन बनाया, जो 35 दिन का इनका इंतज़ार जो चल रहा था, इनकी दो प्रमुख मांगें रही, उसमें से एक प्रमुख मांग कि नंदीशाला का उद्घाटन जल्दी से जल्दी हो, जो आपने पूरा किया, उस वादे को निभाया। इस मंच से मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि बूंदी समाज के, बूंदी के सभी विभिन्न संगठन यहाँ पर आकर, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो गैर राजनीतिक हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी ने आके इस गोवंश के लिए दिए गए धरने को समर्थन अपना दिया है। व्यापार महासंघ ने भी इसका समर्थन किया है। तो आपने जो हमारी एक मांग मांगी मानी है, उसी प्रकार हमारी दूसरी मांग ये है कि आपने जब उद्घाटन कर दिया तो जो हॉस्पिटल में बीमार गोवंश रखा हुआ है उसको तुरंत आप वहाँ पर शिफ्ट करवा के हम लोगों का भी एक सहयोग साथ में लें, और यहाँ पर जो गोभक्त बैठे हुए हैं उनको भी कार्य करने का एक मौका, सुनहरा मौका मिलेगा, ताकि गोवंश की सेवा हो सके। इनकी मांग जायज़ है, इनकी मांग कोई गलत नहीं है, इन्होंने जो मांग करी है वो बिल्कुल ही जायज़ है। ये चाहते हैं कि भी हमारे द्वारा भी सेवा हो, तो आप इनकी सेवा लेने में पीछे क्यों हट रहे हैं? मेरी इतनी सी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इनकी सेवा लेने से क्यों पीछे हट रहे हैं? वहाँ पर आपने उद्घाटन किया, बहुत अच्छा काम किया है आपने, मगर दूसरा जो कार्य है कि वहाँ पर जल्द से जल्द गोवंश को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। आपने उद्घाटन किया, वहाँ एक भी गोवंश नहीं है, किस प्रकार का उद्घाटन हुआ है? जन्म जन्म का नाता है, हमारी माता है। बूंदी की व्यापारियों की, आम जनता की सबसे बड़ी जो समस्या है वह है गोवंश की वजह से कई व्यक्ति इस स्थिति में भी हैं कि आज वो उठकर चलने की स्थिति में नहीं है। कहीं माँ, कहीं पत्नी अपने पति को गंवा चुकी है, कहीं माँ अपने बेटों को खो चुकी है। तो जब आपने इतना अच्छा कार्य किया है तो मैं तो ये कहता हूँ आपको इस मंच पे आके और इनको साथ ले जाके, और ये कहना चाहिए कि मेरे पास ये ज़मीन है, मुझे समय दीजिए, मैं इसको कार्य करूँगी, जितने आप वैकल्पिक व्यवस्था जो मुझसे चाहते हो मैं उसको तुरंत आपके लिए प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर आप वो व्यवस्थाएं दे दे तो हमारा तो सुचारू रूप से काम चलने को तैयार है। और जब आपको बिना तनख्वाह किए गोभक्त मिल रहे हैं कार्य करने के लिए, तो आप उनका उपयोग क्यों नहीं लेना चाहते? तो जल्द से जल्द आप इनको साथ में लेके अपना कार्य कीजिए, ताकि बूंदी की जनता भी आपसे पूछो। ये इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, अगर आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो। मैंने प्रशासन में कई ऐसे काम देखे हैं जो एक दिन में किस स्थिति में थे और दूसरे दिन किस स्थिति में आकर भी उसके उद्घाटन हो रहे हैं। बूंदी में अभी भी कई चीज़ों के ऐसे उद्घाटन हो रहे हैं जो कल स्थिति में नहीं थे, आज स्थिति में है। तो वो चाहे तो आज शासन प्रशासन उनका है, वो चाहे तो एक दिन में कायाकल्प कर सकते हैं। गोवंश को सनातन धर्म में माता का दर्जा मिला है। मैं मीडिया के माध्यम से माननीय सभापति जी से यही कहना चाहता हूं कि आपने जो कार्य किया है उसका श्रेय आप ही लें। उस श्रेय लेने के लिए आपने जो एक अच्छा कार्य किया है कि माननीय अपने पूर्व मंत्री साहब ने आके उसका शिलान्यास किया है, शिलान्यास के साथ में आप गोवंश जो वहां पर हॉस्पिटल में अभी बीमारू गोवंश है उनको आप वहाँ पहुँचाएँ। गोभक्त वहाँ जाने को तैयार है, कार्य करने को तैयार है, आप उनको पानी की सुविधा और टीन शेड की व्यवस्थाएं दे दें, वैकल्पिक व्यवस्था तो दे सकते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप वैकल्पिक व्यवस्था की सुचारू रूप से कर दीजिए, हम सेवा करने के लिए तैयार। अगर जल्दी इनकी मांगे नहीं मानी गई वो मैं ये मानता हूं कि सभापति जी शायद अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे। इस मंच को भी 35 दिन हो गए,
वो भी एक माँ है और वो भी एक माँ है। माँ एक माँ के दर्द को पहचान सकती है, वो समझ सकती हैं कि जिस प्रकार से गोवंश यहाँ तड़प रहा है, इसमें न तो राजनीति है न धर्म है। आज किसी मुस्लिम बच्चे को अगर माँ का दूध नहीं पिलाया जाता तो उसको सबसे पहले डॉक्टर सलाम गाय के दूध के लिए देता है। तो गाय हमारी माता है, ये न तो हिंदू की है न मुस्लिम की, ये सबकी माता है। इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव की माँ गौ माता है। आपने कहा कि सभापति की माँ है, गौ माता है, तीन दिन पूर्व 10 गोवंश की दर्दनाक ट्रेन से कटकर हो गई है, तो सभापति का वो स्टेटमेंट आया न उन्होंने जारी किया, कैसी माँ है? इस बारे में मुझे देरी से मालूम पड़ा है कि भाई वहाँ पर यह घटना हुई है और शासन प्रशासन ने भी उसको बहुत अच्छे तरह से संभाला है। और इस घटना की तो मैं अपने आप में शोक व्यक्त कर सकता हूँ कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और वो जिस जिम्मेदारी पद पे हैं तो उन्हें भी इस बात का तो दुख होना चाहिए कि भाई गोवंश वहाँ पर बेसहारा होने की वजह से कटा है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, इस धरना स्थल के माध्यम से ही ये बात उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब आपने इतना अच्छा कार्य किया है कि उद्घाटन आपने कर दिया, तो अब इस गोवंश को वहां तक पहुंचाने में और गोभक्तों का साथ लेने में क्यों विलंब कर रहे हैं? आपका नाम? पीताम्बर शर्मा, संयुक्त व्यापार महासंघ कार्यकारी अध्यक्ष। भूमि पूजन हो गया, ये खुशी की बात है, लेकिन उसका निर्माण आगे बस वहीं अटक गया, वो भूमि पूजन होकर वहीं रुक गया, आगे उसमें कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। तो कैसे फिर नंदीशाला का निर्माण होगा, कितना दिन लगाएंगे, कैसे? अभी तो सभापति जी कह रहे हैं कि नक्शा बनाएंगे, तो इतने दिन क्या कर रहे थे? अब नक्शा बनाएंगे, 10-15 दिन में नक्शा बनेगा, फिर वो काम शुरू होगा। कुल मिला के ये तो आचार संहिता लगाने के मूड में है, कहीं से कहीं तक इनकी इच्छा शक्ति नहीं है और ये टालम टोल रवैया अपनाए हुए हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा सभापति जी भी, आखिर उनके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है? नहीं तो ये तो बहुत अच्छा काम है और उनको इसमें बढ़ चढ़ कर कार्य करना चाहिए था, एक अच्छा समाधान जनता के सामने साबित करना चाहिए। और जो भी इन्होंने भूमि पूजन किया, एक खाना पूर्ति कर दिया, कोई वहाँ न तो गौवंश गए, बस ये लोग ही चले गए और जो भी करना था करके वापस आ गए। उसके बाद न तो कोई आदमी जा रहा वहाँ, न कोई ठेकेदार जा रहा, न कोई निर्माण हो रहा, तो ये तो एक खाना पूर्ति खा जाएगा। सर, धरने को निरंतर सभी का समर्थन मिला है, चाहे व्यापारी हो, समाजसेवी संगठन हो, समाजों के संगठन हो, उसके दबाव में तो बिल्कुल ये दबाव का ही नतीजा है। सभी लोगों ने सहयोग किया, पीताम्बर जी भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया और सभी लोगों ने किया, तो कहीं ना कहीं दबाव में आकर इन्होंने खाना पूर्ति कर दी। बाकी लग नहीं रहा है कि आगे इनको बनाने के मूड में है, ये सिर्फ टालम टोल ही करने के मूड में। क्या कारण है जो टालम टोल कर रहे हैं? अब यही समझ में नहीं आ रहा, ना तो सभापति जी इस मामले को कोई स्पष्ट कर रहे, ना कोई इनके नेता स्पष्ट कर रहे, क्यों कारण, क्या कारण है ये जो इसमें विलंब किया जा रहा है, जबकि ये जमीन की रिया सारी प्रक्रिया काफ़ी समय से चल रही थी। ये बोल भी रहे थे हमें भाई कब्जा मिलता है हम शुरू कर देंगे, लेकिन क्यों शुरू नहीं हो पा रहा, ये चिंता का विषय हम गौसेवकों के लिए तो खास तौर से। और हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इसको जो भी कारण हो इसको सामने लाया जाए। न्याय दो रे, न्याय दो, गो माता को न्याय दो। किसी भी गौभक्तों को नहीं बुलाया गया, क्या माने इसका व्यवहार? हो सकता है या हमें गौभक्त नहीं मानते हो, जो भी इन्होंने गौभक्त माने उन सबको इन्होंने बुला लिया, कोई बात नहीं, पहुँचे अच्छी बात है, सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन आगे भी तो देखें वहाँ जाके भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, उस बारे में सभापति जी से बात करें, ये भी तो उनका कर्तव्य बनता है। वहाँ जाकर एक फ़ोटो खिंचाने से ही थोड़ी वहाँ कोई लोकार्पण का कार्य हो गया। वहाँ जो फोटो में देखा, किसी को कभी गौ सेवा करते हुए रोड में दीवार गोल छुटाते हुए देखा
अब ये सब आपके सामने सर, और ये लोग तो हमारे ऊपर उल्टे सवाल कर रहे हैं कि ये गौसेवक नहीं है, ये धरना लगाने से कोई गौसेवक हो जाता है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं। तो ये वहाँ क्या करके आए ये तो बताएं, फ़ोटो खिंचाने के अलावा और भी जो करना था वो उसके अलावा इन्होंने क्या किया? कोई किसी तरह से वहाँ कोई घोषणा नहीं कही गई, अगर उसका विधिवत लोकार्पण होता तो मुझे लगता है बूंदी की जनता उसमें दिल खोल कर सहयोग करती, ऐसा तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया, गुपचुप तरीके से काम संपन्न हो गए, शिलान्यास किया, चाय नाश्ता, समोसा खाया, बिना किसी गोवंश के लिए एक रुपए की घोषणा किए बिना वापस आ गए, ऐसे बड़े बड़े लोग थे, क्या कारण था? अब ये तो सभापति जी बताएंगे साहब इसका कारण का तो जवाब, उन्होंने आमंत्रित किया था हमारे से तो कहीं से कहीं तक, और पता नहीं कब से दुश्मनी पाले हुए हैं, जबकि हम तो सीधा सा समाधान चाहते हैं कि बूंदी के जो भी गोवंश दर दर भटक रहे हैं इनको स्थायी जगह मिले, गौशाला के लिए प्रयास किया ठीक है, और वो पूरी जैसा हम चाह रहे थे वो वहाँ भी पूरा नहीं हो पा रहा था, नंदीशाला का विषय आया, जैसे तैसे इसमें ज़मीनें लौट हो गई, अब ये फिर भी है हम लोगों से बिना कोई राय किए वहाँ निर्माण करा रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो मैं सभापति जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वहाँ सेवा करेंगे आगे, या ये निर्माण कार्य आप खड़ा रह के वहाँ करवाएंगे, क्या आपका मकसद है वो तो बताओ, या फिर जो भी आप खुद कह रहे हैं कि भाई ये नगर परिषद नहीं चला सकती, नेताजी भी कह रहे हैं भाई ये नगर परिषद नहीं चला सकती, तो कौन चलाएगा? आप उसको सबके सामने तो लाएं, और भले वो जो जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं तो संभालें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारा तो सिर्फ यही लक्ष्य है कि बूंदी के गोवंश को स्थायी जगह मिले, और जो पशु चिकित्सालय में बीमार गोवंश हैं पूरे ज़िले से वहाँ आते हैं, वहाँ पर अब जगह नहीं है तो उनको तो तत्काल वहाँ पर जगह उपलब्ध कराई जाए, और ये लोग संभालें, नगर परिषद संभालें, कोई भी यह समिति बना के उसको संभालें, हमें कोई परेशानी नहीं, हमें जो सेवा कार्य करना है वो हम करेंगे, पर कम से कम ये व्यवस्था तो करें, इनको वहाँ शिफ्ट तो करें, वो तो न्याय दो। और 200 गोवंश का निर्माण कराना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि भाई फ्लाई ओवर बनाना है जिसका भूमि पूजन कर रहे हो और फिर नक्शा बनाओगे फिर कार्य करोगे, सीधा सा काम है, टिन सेट कराना है और नीचे पर्स कराना है, तार बाड़ा कराना है, बोरिंग कराना है, खेल बनानी और इनके चारे वगैरह की जो भी इनसे हो व्यवस्था करनी है, बाकी हम सब लोग मिलके करेंगे सीधा सा काम, ये अनावश्यक इसको डिले किए जा रहे हैं, कान का इनकी नियत में ज़रूर खोट है, ये बात स्पष्ट है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि गो भक्तों से नाराज होते होते गो माता के भी विरोध करने लग गए ये लोग? मेरा तो मानना ही है ये सभापति जी शुरू से गाय और गरीब के विरोधी है, आज चाहे पहले गरीबों के पीछे पड़ी और अब गायों के पीछे पड़ी, और वो जो बात करते हैं बार बार वो रामदारा गौशाला की, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने वो गौशाला पूरी तो देखी है ना, और नहीं देखी है तो हमारे साथ चलो हम दिखाते हैं कि गौशाला का क्या हाल है, और जो आपने वहाँ नंदी शिफ्ट किए उनको जाके आपने कभी संभाला, कितने नंदी उसमें से बच रहे हैं, जीवित बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, या कोई रिकॉर्ड है उनका? तो गौशाला वाले आपके इशारे में काम कर रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, उनका आप सम्मान कर रहे हो, और जो एक स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं उनको आप दुश्मन समझ रहे हो, दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हैं हम गौवंश के हित के कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई हित नहीं है, ज़मीन का भी विषय था, राज्य सरकार की योजना है नंदीशाला बनानी प्रत्येक ज़िले में, ज़मीन की परेशानी आ रही थी, इन्होंने टीम बनाई, तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी, उन्होंने कहा कि बूंदी में आसपास कोई ज़मीन ही नहीं है, हमने कोशिश की, हमारे पूरी टीम ने मेहनत की और ये ज़मीन ढूंढी, इसके पीछे वन विभाग की भी भूमि है, गोवंश के लिए एकदम सूटेबल जगह है, हमने इनके सारे पार्षदों से मिले कि भाई साहब, उन्होंने कहा हम सब लोग साथ हैं, उसके बाद में हम सभापति जी से मिले और फिर ये ज़मीन का आवंटन हुआ।
और जमीन का भी अगर कोई कमी पड़ रही है तो ये तो और भी जमीन हो जाएगी, पर जो मिली है उसमें तो शुरू करो। कैसे आप लोकार्पण कर रहे हो? न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो। कहीं भी गौशाला का कोई मुहूर्त होता है तो 100-200 गोवंश तो वहाँ होते हैं ना, कैसे मुहूर्त कर रहे हो? आपका कहना है कि रामदोरा गौशाला और नगर परिषद भूमि पर कैसे काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान बंदर बांट की तरह आपको बांट करी सारे माता का? बिल्कुल सारा खेल यही चल रहा है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरा ये गिरोह बना कर गोवंश का हित का खाया जा रहा है, गोवंश दर दर भटक रहे हैं और गौशाला में कोई जाकर ही नहीं देखता। आप बताएं कौन सा अधिकारी गया है? ये नेताजी जाते हैं वहाँ बाहर के बाहर ही माला पहन ली, फोटो खींचा दिया, बस हो गया। ग्राउंड रिपोर्ट कौन से अधिकारी ने जांच की वहाँ, ये तो सामने आए, जबकि सारी सुविधाएं दे रखी वहाँ, डॉक्टर भी दे रखा है इनको और ये नगर परिषद के व्यवस्था दे रखी है, लेकिन ये सब बाहर के बाहर ही मृत गोवंश कितने कितने मृत होते हैं महीने में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऊपर का ऊपर ये सब लोग फ्री कर देते हैं, ये भी हम जांच का विषय है, पहले हमारा ये मूल काम हो जाए फिर इन गौशालाओं के विषय में भी हम आवाज़ उठाएंगे। अब कान कहाँ तो करना ही पड़ेगा, अति की भी कोई सीमा होती है। कल भी हमारे छोटे भाई ने बताया था कि हम नगर परिषद को 8 दिन का समय देते हैं और हम भी इनको 8 दिन का समय देते हैं, तुरंत प्रभाव से ये जो बीमार गोवंश है हॉस्पिटल में इनका समाधान करें और इनको संभालें, बस इतना सा हम लोग चाहते हैं। आप देश धर्म का नारा है, गाय हमारी माता है। आप उनसे नंदीशाला निर्माण की उम्मीद करो जो खुद गौशाला के लिए आवंटित जमीन को दबाए बैठे। बिल्कुल वो कान का वही विषय आ रहा है सर, हम तो चाह रहे हैं कि भाई ठीक है 11 बीघा में हमारा समाधान भी नहीं हो रहा और नगर परिषद बिना हमारी सेवा भी सुचारू नहीं हो पाती, तो भाई ठीक है कान का तालमेल बना कर इनसे कार्य करें, नई जमीन ढूंढ ली, बड़ी जमीन मिल गई, अच्छी लोकेशन पे मिल गई, हमें उम्मीद थी कि नगर परिषद पूरा सहयोग करेगी, लेकिन वो जो अच्छी लोकेशन में मिल गई तो कान का है उस पर भी इनकी नीयत ख़राब है, यह स्पष्ट है सर, और इसीलिए इसको ये डिलाई कर रहे हैं और आचार संहिता तक ले जाना चाह रहे हैं ताकि फिर इनका कोई कहने सुनने वाला नहीं रहे। आपका नाम? गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौ सेवा संस्था। पिछले 35 दिनों से गोभक्त धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी मांग है कि गौशाला का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाए और गौवंशों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। शहर के अंदर जिस प्रकार से गौवंश घूम रहे हैं उससे कई दुर्घटना हो चुकी है, किसी की जान गई है, किसी के हाथ पैर टूटे हैं, अविलंब भी यहाँ पर नंदीशाला का निर्माण होना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ टिन सेट लगाकर जैसे भी हो इनको करना चाहिए। अब दान मंडी में बड़े बड़े टिन सेट लगे हैं, खाली पड़ी हुई जमीन है, उस पर अगर सरकार चाहे तो प्रशासन पर दबाव बनाकर वैकल्पिक व्यवस्था गोवंशों की वहाँ की जा सकती है, इससे शहर के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। निर्माण में समय तो लगेगा, निश्चित समय लगेगा, पर वैकल्पिक व्यवस्था तो हो भाई, इन गोवंशों को वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था कहीं तो करनी पड़ेगी ना, लोग तो मर रहे हैं, आज कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, कोई महिला गिर रही है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो जरूरी है। इस संबंध में हम भी बात करेंगे हमारे लोकसभा स्पीकर जी से कि वहाँ पे 36 दिनों से धरना चल रहा है और उनकी ये मांगे वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए, तो कोई भी बात होगी हम कलेक्टर के माध्यम से इसको कराने की कोशिश करेंगे। लगभग कितने समय में आप इसे समाधान करने का प्रयास करोगे? कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी, हमारे स्पीकर महोदय, विधायक महोदय, इनसे बात करके इसको अस्थायी रूप से वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। दान मंडी अगर आप गोभक्तों को आंदोलन करना पड़ता है तो किस प्रकार समर्थन रहेगा आपका? हमारा पूर्ण समर्थन है। आपका नाम? राम बाबू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। पूरे नगर परिषद क्षेत्र में आवारा पशु घूम रहे हैं, बीमार हो जाते हैं गौ माता, एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उनकी उपचार की कोई सुविधा नहीं है। अभी नंदीशाला का यहाँ पे उद्घाटन किया गया, मुझे इस बात का भी खेद है कि यहाँ गोभक्तों को उस शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, इनका विश्वास में नहीं लिया गया, और जो गौशाला के लिए आवंटित भूमि जो 2 साल पहले जिला कलेक्टर महोदय ने की थी, ये यहाँ का जिला प्रशासन,
और ये सरकार उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने में असमर्थ है। ये सरकार फेल है अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है, और ये ऐसी सरकार को यहाँ पे राज करने का कोई अधिकार नहीं। न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो। दिनों से धरना चलने के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसमें अलग से धरना प्रदर्शन करें या इनकी मांग को पूरी करवाएं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है कि हम हिंदुस्तान में गो माता, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हम गो माता को माँ के समान, माँ से भी ऊँचा दर्जा मानते हैं, और प्रत्येक हिंदू परिवार, प्रत्येक व्यक्ति गो माता की सेवा में रहता है, और इसी वजह से ये गोभक्त यहाँ बैठे हुए हैं, और इनकी मांग बिल्कुल वाजिब है। इस सरकार को ये हमारी मांग माननी पड़ेगी। ये संघर्ष से माने तो ठीक, प्रेम से माने तो ठीक, और भारतीय जनता पार्टी का धरने को पूरा समर्थन है, और आगामी कार्यक्रमों में हम जो हमारी बैठक होगी इस धरने के प्रति, हम इस विषय को उसमें उठाएंगे, और हम भी कुछ न कुछ करने का इसमें कार्य योजना बनाएंगे। कब तक मानेगी आप इस रूप इनके समर्थन में ना होकर खुद अलग से इसके लिए मांग करके प्रयास करें, आंदोलन करें, सरकार पर दबाव बनाएं, क्या रुक रहेगा बीजेपी का? अभी तक तो कोई स्पष्ट नहीं हुआ। हम इसमें बैठक में इसमें चर्चा करेंगे, और इसकी क्या रणनीति हो सकती है, प्रशासन किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है कि ज्ञापन दिया जाए, या जो भी रणनीति हमारी बनेगी उसको हम करेंगे। बाकी हमारा स्पष्ट मत है कि धरना इनका बिल्कुल वाजिब है, हमारा पूरा समर्थन। सभापति की गौशाला की जमीन पर कब्जे जमाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी के, न तो पार्षदों ने, न कोई विधायक ने, न किसी नेता ने विरोध किया है, क्या कारण है, न कोई प्रदर्शन किया? हमारा सैद्धांतिक रूप से गो माता के प्रति और धरना, जो धरना दे रहे हैं, इनके प्रति मेरा पूरा समर्थन है, और आने वाले समय में ये बहुत गंभीर विषय है कि 35 दिन के संघर्ष के बावजूद भी ये सरकार सुन नहीं रही है, तो लाजमी हमारा भी ये बन जाता है कर्तव्य है कि हम इस धरने के बारे में, इस समस्या के बारे में हमारी पार्टी लेवल पे हम बैठक करेंगे, विचार करेंगे, और निश्चित रूप से कोई रणनीति तय करेंगे। कि 2 साल से गौशाला की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे सभापति के पति, भाजपा पार्षदों ने न कोई भाजपा नेता उनका विरोध किया, न मुक्त करने के लिए आंदोलन किया? नहीं, मैंने यहाँ कई हमारे भाजपा के नेता समय समय पर आते रहे हैं, अपना समर्थन व्यक्त करते रहे हैं, और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे रखा है, और ये अगर सरकार उस अल्टीमेटम में अगर ये प्रशासन उस कब्जे को नहीं छोड़ा पाता है, या गौ माता की सेवा में कोई विलंब करता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रणनीति हम बनाएंगे। आपका नाम? डॉक्टर सत्यनारायण गौतम, सदस्य प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी राजस्थान। न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो रे, न्याय दो, माता को न्याय दो।